हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल। तो आज इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं मारुति सुजुकी इग्निस के बेस मॉडल के बारे में। ये बेस मॉडल यानी कि सिग्मा मॉडल है 2023 में गाड़ी में क्या क्या लेटेस्ट अपडेट हुए हैं, क्या प्राइस हैं, वो सारी चीज़ें इस वीडियो में आपको बताऊंगा। तो सबसे पहले प्राइस बता देता हूं, गाड़ी का जो शोरूम कीमत है वो है 5,84,000 रुपये। ऑन रोड आप इंश्योरेंस, रजिस्ट्रेशन, थोड़ी बहुत एसेसरीज वगैरह लेंगे तो लगभग 6,70,000-80,000 रुपये के आसपास में ये आपको गाड़ी पड़ने वाली है। गाड़ी के स्टार्ट करते हैं फ्रंट प्रोफाइल से। फ्रंट में आप देखेंगे भाई गाड़ी की चौड़ाई आपको इसमें मिलेगी 1690 mm की, जो कि बहुत अच्छी है। एंड ओवरऑल गाड़ी की हाइट की अगर हम बात करें तो 1595 mm की आपको गाड़ी में हाइट ऑफर की गई है। वही गाड़ी का आप भाई लुक देखेंगे तो मस्कुलर लुक देती है इग्निस। एंड वही आप देखेंगे इस बेस वेरिएंट में आपको फ्रंट में मिलेगी सिल्वर स्किड प्लेट, यहाँ पर आप देखेंगे। एंड यहाँ पर हेडलैम्प्स आप देखेंगे तो आपको हैलोजन हेडलैम्प्स मिलेंगे, यहाँ पर अंदर पाइलट लैम्प मिलेगा, इधर इंडिकेटर को प्लेस किया गया है। सामने आपको छोटी छोटी क्रोम इंसर्ट की हुई मिल जाएगी गाड़ी के लोगों के साथ। एंड ये जो कलर आप देख रहे हैं ये है नेक्सा ब्लू कलर। एंड वहीं आप साइड में देखेंगे तो आपको मिलेगी फॉग लैम्प की हाउसिंग, यहाँ पर आप फॉग लैम्प इंसर्ट करा सकते हैं आफ्टर एसेसरीज या मार्केट में, जैसे भी आपको अच्छा लगता है। एंड आ जाते हैं भाई गाड़ी के साइड प्रोफाइल में। तो साइड प्रोफाइल में जब आप चलेंगे तो भाई देखेंगे आप गाड़ी की लेंथ, ओवरऑल गाड़ी की जो लेंथ आपको ऑफर की गई है वो 3700 mm की लेंथ आपको ऑफर की गई है। एंड यहाँ पर आप देखेंगे टायर, आपको इसमें 15-inch के स्टील व्हील ऑफर की गए जो कि सिल्वर कलर के हैं, जो आपको बेस मॉडल में ही सिल्वर कलर के मिलेंगे। इससे ऊपर जाएंगे आप तो इसमें आपको ब्लैक कलर के मिलेंगे व्हील कवर के साथ, इसमें व्हील कवर नहीं आते हैं। एंड इसमें बेस वेरिएंट में आपको कहीं भी साइड बॉडी क्लैडिंग नहीं मिलेगी, रूफ रेल नहीं मिलेगी। एंड डोर हैंडल और ORVM आपको बॉडी कलर के मिलते हैं, जो कि बहुत अच्छी बात है। इंडिकेटर आपको बेस मॉडल में ORVM पे नहीं मिलेगा, इंडिकेटर यहाँ पर प्लेस किया गया है। बाकी ये कुछ एक छोटा सा डिज़ाइन यहाँ पर दिया हुआ है। उसके साथ साथ एक बार भाई बात कर लेते हैं गाड़ी की इंटीरियर की। तो इंटीरियर में जब जाएंगे तो हम एक बार चाबी को चेक करेंगे तो कुछ इस तरीके की सादा चाबी मिलेगी आपको। सामने आती है ट्रिम आप देखेंगे तो आपको इसमें फ्रंट विंडो मिलेंगी, पावर उसके बटन यहाँ पर दिए हुए हैं, चाइल्ड लॉक है, लॉक का बटन है। एंड यहाँ पर ये कुछ जो डोर हैंडल है इसका पियानो ब्लू फिनिश में दिया हुआ है। एंड पूरी की पूरी हार्ड ट्रिम में हार्ड प्लास्टिक है। इनर अनलॉक जो लीवर है वो आपको मैट ब्लैक फिनिश में ही मिलेगा। एंड यहाँ पर आपको 4 स्पीकर की हाउसिंग मिल जाएगी, म्यूजिक सिस्टम आपको इसमें नहीं मिलेगा, चारों दरवाजे में 4 स्पीकर नहीं आते। सीट आप देखेंगे तो आपको मैनुअली रिक्लाइन स्लाइड करने का ऑप्शन इसमें मिलेगा, हाइट एडजस्टमेंट का ऑप्शन नहीं है। उसके साथ साथ एक बार चेकआउट कर लेते हैं इंटीरियर को। इंटीरियर आप देख लीजिए, केबिन में भाई काफ़ी ज़्यादा स्पेस है यहाँ पर, और डैशबोर्ड पर भी काफ़ी ज़्यादा स्पेस है, स्पेस भाई गाड़ी में ठीक ठाक है। स्टीयरिंग व्हील आप देखेंगे तो स्टीयरिंग व्हील में आपको सिल्वर कलर की फिनिश देखने को मिल जाएगी, जो कि अच्छी लगती है। सामने आपको 2 एयरबैग इस गाड़ी में ऑफर किए गए हैं, एक यहाँ पर एक उधर। एंड यहाँ ये सामने आप देखेंगे तो आपको कुछ इस तरीके का दिखेगा इसका क्लस्टर, ऊपर हो गया स्पीडोमीटर, नीचे हो गई एक छोटी सी MID जहाँ पर आपको कुछ डिटेल्स मिलेगी जैसे फ्यूल एवरेज, फ्यूल इकोनॉमी, टाइमिंग वगैरह और भी बहुत सारी चीज़ें। उसके साथ साथ इधर हो गए लीवर्स, इधर वाइपर का लीवर, इधर हेडलैम्प्स का लीवर। एंड यहाँ आप साइड में देखें हेडलैम्प लेवलिंग नॉब का बटन मिलेगा। एंड यहाँ पर ट्रैक्शन कंट्रोल और उसके साथ साथ AC के जो वेंट्स हैं, AC के ब्लोवर्स हैं, उन पर भी आपको कोई क्रोम ग्लॉस का यूज़ किया हुआ नहीं मिलेगा। मॉडर्न डैशबोर्ड है यहाँ पर आप देख ही सकते हैं। बाकी ग्लव बॉक्स जो कि नॉन कूल्ड है, कूल्ड नहीं है। म्यूजिक सिस्टम की हाउसिंग यहाँ पे दी जाती है, आप चाहें तो कंपनी से फिट करा सकते हैं या आफ्टर मार्केट एसेसरीज में फिट करवा सकते हैं। नीचे आप देखेंगे तो आपको मिलेगी मैनुअल AC, यहाँ पर हजार्ड लाइट का बटन है, यहाँ पर 12 वोल्ट का एसेसरी सॉकेट आपको ऑफर किया गया है। स्पेस काफ़ी ज़्यादा है, यहाँ पर वॉलेट फ़ोन वगैरह रख सकते हैं। एंड यहाँ पर बॉटल होल्डर्स है। 5 गियर मैनुअल ट्रांसमिशन में गाड़ी आती है इग्निस। उसके साथ साथ सेंटर कंसोल पे भी भाई ग्लॉसी ब्लू फिनिश का यूज़ किया हुआ है, जो कि गाड़ी में बहुत अच्छा लगता है। एंड स्टीयरिंग एडजस्टमेंट मैं आपको बताऊं तो यहाँ पर आपको मिलेगा टिल्ट। एक बार सनवाइजर देख लेते हैं भाई, ड्राइवर साइड सनवाइजर विदाउट टिकट होल्डर के साथ है। एंड को ड्राइवर सनवाइजर भी विदाउट वैनिटी मिरर के साथ है। यहाँ पर लाइट्स मिलेंगी आपको, इधर माइक्स है, यहाँ पर सादा आपको IRVM ऑफर किया जाता है। असिस्ट ग्रिप आपको दी गई है बेस वेरियंट से ही। एंड ये तो हो गई बात फ्रंट की, अब एक बार चलते हैं भाई रियर सीट्स पे। रियर सीट्स में देख लेते हैं कि थाई सपोर्ट वगैरह कैसी है, स्पेस कैसा है। तो रियर सीट्स पे जाने से पहले रियर ट्रिम आप देखेंगे तो यहाँ पर जो रियर विंडो है वो मैनुअली रोल डाउन रोल अप करने के लिए है। एंड रियर ट्रिम में आपको मिल जाएगा सिंगल बॉटल होल्डर। उसके साथ साथ एक बार बैठ कर देख लेते हैं तो स्पेस भाई गाड़ी में काफ़ी अच्छा है, मतलब स्पेस के मामले में आपको गाड़ी में प्रॉब्लम नहीं होने वाली। यहाँ पर आप देखेंगे सेंटर कंसोल पर तो रियर में भी आपको बॉटल होल्डर मिल जाएगा। आगे वाली सीटों पर जो हेडरेस्ट आपको मिलेंगे वो एडजस्टेबल मिलेंगे। एंड रियर सीट्स पर आपको फिक्स हेडरेस्ट मिलेंगे जो फिक्स ही रहेंगे। 60-40 स्प्लिट्स आपको सीट इसमें नहीं मिलेगी। ये हो गई भाई बात रियर सीट्स की। अब एक बार देख लेते हैं गाड़ी का बूट और रियर लुक।
वो चेक करने से पहले आप एक बार चेक करिएगा ग्राउंड क्लियरेंस। इस गाड़ी का जो ग्राउंड क्लियरेंस आपको मिलेगा वो 180 mm का, यानी कि 180 mm का। एंड आते हैं धीरे धीरे रियर में, तो रियर का ये कुछ इस तरीके का लुक आपको मिलेगा इग्निस में। यहाँ पर कुछ कट्स मिलेंगे आपको, ठीक है, जो कि वेंट्स की तरह दिखते हैं। एंड यहाँ पर इस गाड़ी में टायर के ऊपर जो मड है ना, वो थोड़े से आपको उभरे हुए मिलते हैं। एंड पीछे आप देखेंगे तो आपको इसमें कॉम्बिनेशन टेल लैम्प मिलती है। यहाँ पर आपको मिलेगा इंडिकेटर, ये हो गया रिवर्स लैम्प, और ये पूरा का पूरा रिफ्लेक्टर है जो कि ब्रेकिंग पर जलता है। नीचे हो गया रिफ्लेक्टर। एंड आपको चार पॉइंट मिलेंगे पार्किंग सेंसर के। नीचे हो गई स्किड प्लेट, सुजुकी का लोगो, और ये नेक्सा की बैजिंग, ये इग्निस की बैजिंग। उसके बाद ऊपर देखेंगे तो आपको मिलेगा हाई माउंट स्टॉप लैम्प, ऊपर हो गया एंटीना। एक बार बूट ओपन कर लेते हैं, तो यहाँ पर आपको ऑफर किया गया है 208 लीटर का बड़ा बूट स्पेस, काफ़ी ज़्यादा लगेज कैरी कर सकते हैं आप आसानी से। नीचे आपको स्पेयर व्हील मिल ही जाएगा। पार्सल सेल्फ आपको इस वेरिएंट में नहीं मिलेगी, बाकी ऊपर भी भाई अच्छे से कवरिंग की गई है टेल गेट पर। एंड इसको करते हैं बंद। बंद करने के साथ साथ ये है कुछ इस तरीके का माहौल पीछे का। तो भाई फ्रंट की बात हो गई, इंटीरियर की बात हो गई, रियर की बात हो गई, सीट की बात हो गई, अब बात करते हैं भाई सेफ्टी की। तो सेफ्टी के पॉइंट ऑफ व्यू से इग्निस में आपको मिलेंगे दो एयरबैग, ABS भी, DVD, पार्किंग सेंसर, सीट बेल्ट रिमाइंडर, स्पीड अलर्ट सिस्टम, ट्रैक्शन कंट्रोल, और भी बहुत सारे एक्टिव सेफ्टी फीचर्स। और उसके साथ साथ अब बात करते हैं भाई टेक्नोलॉजी की। बोनट को हम खोलते हैं, एंड बोनट को जैसे ही हम खोलते हैं तो इसमें आपको देखने को मिलेगा 1.2 लीटर का नेचुरल एस्पिरेटेड पेट्रोल इंजन, जो कि आपको 61 किलोवाट की पावर देता है एंड 113 NM का टॉर्क देता है। एवरेज लगभग आपको 20 प्लस ये इंजन देता है, जो कि काफ़ी ज़्यादा रिफाइंड है, साइलेंट है, और भी बहुत अच्छी परफॉर्मेंस देता है। तो भाई कुछ इस तरीके से था इग्निस सिग्मा का डिटेल एंड शॉर्ट रिव्यू। आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। गाड़ी कैसी लगी हो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना उन लोगों को जो लोग ये गाड़ी खरीदना चाहते हैं। बाकी मिलते हैं बहुत जल्दी अगली वीडियो में। अगली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको तभी आएगा जब आप चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर लोगे। तो नोटिफिकेशन बेल को ऑन कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं बहुत जल्दी अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, जय हिंद।